तो आप सभी को मालूम होगा कि रसिया और यूक्रेन के बीच जंग चल रहा है, जिससे यूक्रेन बुरी तरह से प्रभावित तो हो ही रहा है, लेकिन रसिया की भी हालत बहुत गंभीर है। चलिए जानते हैं इस वीडियो में आखिर रसिया के साथ क्या हो रहा है। क्या आप अंदाजा लगा सकते हैं एक दिन में रसिया का कितना रुपया खर्च होता होगा इस जंग में? एक रिपोर्ट के मुताबिक पहले चार दिन में रसिया को $7 बिलियन का खर्च उठाना पड़ा। अनुमान लगाया जा रहा है कि धीरे धीरे बढ़कर इसकी कॉस्ट रोजाना $20 बिलियन हो जाएगी, यानी रसिया को रोजाना $20 बिलियन स्पेंड करना पड़ जाएगा इस जंग को जारी रखने के लिए। ये तो डायरेक्टली रसिया स्पेंड कर रहा है, लेकिन दूसरे देशों की वजह से रसिया पर क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है वो देखिए। BMW, Volkswagen, Mercedes, Jaguar, Toyota और Honda जैसी बड़ी बड़ी कार कंपनीज अब रसिया में अपनी कार एक्सपोर्ट करना बंद कर देंगे। एयरबस और बोइंग दुनिया की दो सबसे फेमस एयरक्राफ्ट बनाने वाली कंपनी है, जो एरोप्लेन बनाती है। इन दोनों कंपनियों ने अपने स्पेयर पार्ट्स रसिया में भेजना बंद कर दिए हैं, और 33 कंट्रीज ने अपने एयर स्पेस क्लोज कर दिए हैं रसिया के लिए। यानी रसिया की कोई भी विमान उस 33 कंट्रीज में नहीं जा सकती जिसमें बहुत सी यूरोपियन कंट्री इंक्लूडेड है। इससे उन लोगों की प्रॉब्लम बढ़ गई है जो रसिया से बाहर घूमने गए हुए हैं, उन लोगों को आने में प्रॉब्लम होगी। नेटफ्लिक्स ने अपनी सर्विसेज रसिया में बंद कर दी, नए यूजर्स अब साइन अप नहीं कर सकते। बड़ी बड़ी टेक कंपनी एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनी अपने प्रोडक्ट्स को रसिया में बेचना बंद कर देंगे। सैमसंग जो बहुत ही फेमस स्मार्टफोन कंपनी है, उसने भी कहा है कि हम अपने प्रोडक्ट्स को रसिया में नहीं भेजेंगे। ये वे सारी कंपनीज हैं जिनके प्रोडक्ट्स या सर्विसेज हम रोजमर्रा की जिंदगी में इस्तेमाल करते हैं। जरा सोचिए उनका क्या हाल होगा। इनके अलावा फीफा और यूएफा, इन दोनों ने कहा है रशियन टीम को सस्पेंड कर दिया जाएगा सारे इंटरनेशनल सोकर इवेंट्स से। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी। वीजा और मास्टर कार्ड एक ऐसा ट्रांजैक्शन का जरिया है जिसके थ्रू मिलियंस ऑफ क्रेडिट कार्ड यूज किए जाते हैं। दोनों कंपनीज ने फैसला किया है कि वे रसिया बैंक को ब्लॉक कर देंगे, यानी रसियन इन कार्ड से ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते। हैरानी की बात तो ये है कि रसिया के अप्रॉक्स 74% पेमेंट ट्रांजैक्शन इन दोनों कार्ड के थ्रू ही होते थे, जो अब नहीं हो पाएंगे। यहां तक कि मोबाइल फोन से एप्पल पे, गूगल पे और सैमसंग पे, जिसके थ्रू आसानी से ट्रांजैक्शन हो जाते थे, उन्होंने अपनी सर्विसेज रोक दी है। रसियन के लिए अब ट्रांजैक्शन करना भी अब बहुत मुश्किल हो गया है। ये तो मल्टीनेशनल कंपनियां थी जिन्होंने अपनी सर्विसेज बंद की है, लेकिन इनके अलावा सरकारों ने भी एक्शन लिया है रसिया के खिलाफ। बेसिकली ऐसा होता है जब कोई देश इंटरनेशनल लॉ को तोड़ता है या फिर आक्रामक बिहेव करता है, तो इस पर सैंक्शन लगाए जाते हैं, जिसे आम भाषा में पनिश करना कह सकते हैं। इन सब की वजह से रसिया की जो करेंसी है रसियन रूबल, इसकी वैल्यू तेजी से नीचे गिरती जा रही है। जंग से पहले $1 लगभग 70 रसियन रूबल के बराबर था, लेकिन अब यह 150 रसियन रूबल क्रॉस करने वाली है। सीधे तौर पर कहें तो रसियन लोगों ने जितना पैसा कमा रखा है उसकी वैल्यू कम होती है। एक जंग से कोई देश इतना प्रभावित होता है कि आम लोगों के जीने का तरीका ही बदल जाता है। बहुत से लोग गरीबी रेखा के नीचे चले जाते हैं, अनएम्प्लॉयमेंट की संख्या बढ़ जाती है,